आपने आपके घर के पास कार्यालय के पास एटीएम देखा ही होगा और आपको आश्चर्य होता होगा कि लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं। एटीएम एक ऐसा मशीन है जिसमें से हम अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसे एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर बैंक अपने बचत खाताधारी को एटीएम कार्ड देते हैं। आजकल हर जगह पर एटीएम मशीन्स उपलब्ध होती हैं। एटीएम का इस्तेमाल बहुत ही आसान होता है और उसके कई फायदे भी हैं। हमारा समय बचाता है, बैंक में जाने का खर्च बचाता है, जरूरत के समय अपने ही पैसे काम आते हैं, पैसे सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए एटीएम कार्ड का उपयोग करके एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। समझ लीजिए, हमें एटीएम में से 500 रुपए निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको एटीएम कार्ड को मशीन के कार्ड स्लॉट में डालना है। कार्ड को मशीन में दिखाई गई दिशा के अनुरूप अंदर डालें। एटीएम की स्क्रीन पर जो सूचनाएं आती हैं उनका पालन करें। उन सूचनाओं की भाषा वो मशीन कौन सी जगह पर है इस पर निर्भर करती है। इसमें कम से कम 3 भाषाएं रहती हैं। इसके बाद पिन नंबर दबाएं जिससे अपने व्यवहार सुरक्षित रहते हैं। क्या आपको मालूम है पिन नंबर क्या है? जैसे हमारी अलमारी की चाबी होती है जिसे हम संभाल कर रखते हैं, वैसे ही पिन नंबर मतलब हमारे बैंक अकाउंट की चाबी होती है जिसकी वजह से हमारे सारे आर्थिक व्यवहार सुरक्षित रहते हैं। पिन नंबर ये 4 अंकों का नंबर रहता है। एटीएम के व्यवहार करते वक्त हर बार पिन नंबर डालना पड़ता है। पिन नंबर बैंक की तरफ से हमें मिलता है जिसे बदलकर हम अपनी पसंद का पिन नंबर रख सकते हैं ताकि वो हमें याद रहे। इस व्यवहार में हम 1960 ये पिन नंबर इस्तेमाल करेंगे। अब व्यवहारों का पर्याय चुनें। पैसे निकालने का पर्याय चुनने के बाद कीपैड की मदद से जो रकम निकालनी है वो रकम दबाएं। रकम डालते वक्त ध्यान में रहे कि उतनी रकम आपके खाते में है। यदि आपने सही रकम लिखी है तो सही का पर्याय चुनें, अन्यथा गलत पर्याय चुनें और सही रकम फिर से डालें। आपने सही पर्याय चुन लिया तो मशीन से आपने डाली हुई रकम बाहर निकलेगी। वो पैसे लें। व्यवहार की रसीद प्राप्त करने के लिए हां ये पर्याय चुनें। आगे के संदर्भ के लिए रसीद लेना हमेशा जरूरी होता है। रसीद पर मौजूद जानकारी की जांच करें। इस रसीद में यह जानकारी दी जाती है कि आपने कितने पैसे निकाले हैं और खाते में कितनी रकम बाकी है। यह व्यवहार पूरा होने के बाद एटीएम कार्ड लें। तो हमने देखा एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। अब आप जब चाहे अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं। आपका जिस बैंक का एटीएम कार्ड है उस बैंक के एटीएम में जाकर आप कुछ सुविधाएं पा सकते हैं। अपना पिन नंबर बदल सकते हैं, खाते का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, नजदीक के दिन के आर्थिक व्यवहार देख सकते हैं। लेकिन एटीएम का इस्तेमाल करते वक्त कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है, जैसे कि अपना पिन नंबर किसी को नहीं बताएं, उसे हमेशा संभाल कर रखें या याद रखें। अपना एटीएम कार्ड, कार्ड का नंबर किसी को भी ना बताएं, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कभी गलती से आपका एटीएम कार्ड गुम हो जाए तो डरिए नहीं, तुरंत अपने बैंक में फोन करके या बैंक में जाकर अपना कार्ड बंद कर दीजिए और नए कार्ड के लिए अर्जी भरें। तो इस तरह कुछ सावधानियां बरतें और अपने आर्थिक व्यवहार के लिए हमेशा एटीएम का इस्तेमाल करें।